नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्षत सैनी ब्लॉग में। आज हम आए हैं लोधी गार्डन नई दिल्ली, जो लोधी रोड पर पड़ता है। इस गार्डन को लोधी वंश के प्रभावशाली राजा सिकंदर लोधी ने बनाया था। लोधी वंश की स्थापना पहलोल खान लोधी, जो पहले अफगान शासक थे जिन्होंने भारत पर राज किया, और उसके बाद 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी ने दिल्ली पर राज किया। और इन्होंने 1503 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की थी। लोधी वंश के सबसे ताकतवर राजा हुए हैं ये। सिकंदर लोधी का मकबरा 8 कोणों पर आधारित है, अष्टभुजी बिल्डिंग इसको कह सकते हैं। और ये पहला गार्डन मकबरा है, जो बीच में मकबरा और चारों तरफ इसके गार्डन है। ये भारत में पहला मकबरा है जो गार्डन शैली में बना हुआ है। सिकंदर लोधी का मकबरा उस समय की भव्य इमारतों में से एक है। एक मंजिला मकबरा है और सेंटर में सिकंदर लोधी की कब्र। सिकंदर लोधी की मृत्यु तो आगरा में हुई थी, लेकिन इनकी इच्छा के अनुसार इनको इस मकबरे में दफनाया गया। सिकंदर लोधी के बाद लोधी वंश की कमान संभाली इब्राहिम लोधी ने, और जो लोधी वंश के आखिरी सुल्तान भी हुए। 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोधी ने राज किया, और जो 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। अगर आपको पुरानी इमारतों से लगाव है तो आप यहाँ घूमने आ सकते हैं, और अगर पुरानी इमारतों से लगाव नहीं भी है तब भी आप पार्क के लिए यहाँ आ सकते हैं। बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। इस पार्क को NDMC मेंटेन करती है। लोधी गार्डन में मुख्यतः चार ऐतिहासिक इमारतें हैं जो आप सामने देख रहे हैं। यह है बड़ा गुम्बद और शीश गुम्बद। तो आइए चलते हैं।
ये है बड़ा गुंबद। ये देखने में दो मंजिला लगता है लेकिन ये एक मंजिली इमारत है। इस मकबरे के अंदर कोई कब्र नहीं है लेकिन इसकी भव्यता को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई लोदी वंश के शासक ही रहे होंगे। बड़ा गुंबद मस्जिद, बड़े गुंबद के राइट साइड में बनी हुई है बड़ा गुंबद मस्जिद। इस मस्जिद में 5 मेहराबें हैं और नक्काशी बहुत ही सुंदर है, अपने समय की भव्य मस्जिद रही होगी। यह है शीश गुंबद, और इसको शीश गुंबद इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर नीले कलर की टाइल्स लगी थी बहुत ही सुंदर, जिस कारण इसको शीश गुंबद कहते हैं, जो अब समय के साथ साथ उतर गई हैं। और ये जो कब्रें हैं ये अज्ञात हैं, इसका सही पता नहीं है कि ये कब्रें किस परिवार की हैं। रुक जा, आकाश नहीं बैठा रहो। पानी मल नहीं है क्या बात है?
में अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ इंतज़ाम है। पार्क में एक छोटी सी झील बनी है जिसमें बहुत सारी बत्तखें हैं और बच्चे तो इन बत्तखों को देखकर बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।